स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? ए, खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। बी, स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। सी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल कार्यान्वयन के लिए। डी, जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए। आंसर ए, खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। एक्सप्लेनेशन, भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को ये पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन 9 मार्च से 23 मार्च तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। सी, नीति आयोग। डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पोषण भी पाई भी, पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित आहार प्रथाएं इन आयोजनों का विषय होंगी। इनमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाजरा और पोषण वाटिकाओं को प्रोत्साहित करके सतत खाद्य प्रणालियों को लागू करना और मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ाना शामिल है। अगला प्रश्न, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? ए, जम्मू और कश्मीर। बी, राजस्थान। सी, मध्य प्रदेश। डी, दिल्ली। आंसर ए, जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन, मवेशी तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग 20 मई को कितने बैंड की नीलामी करेगा? A5, B6, C7, D8। आंसर D8। एक्सप्लेनेशन, दूरसंचार विभाग 20 मई को 8 बैंड की नीलामी करेगा। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 96,317.65 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। फरवरी में केंद्रीय कैबिनेट ने इन नीलामियों को मंजूरी दी थी। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक कंपनियां 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। कुल 10,523.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ए, महाराष्ट्र। बी, केरल। सी, कर्नाटक। डी, तमिलनाडु। आंसर सी, कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन, कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र केंद्र होगा। ये केंद्र उद्योग अकादमिक नेटवर्क स्थापित करने और तकनीकी रुझानों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।